यदि आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके हेयर बंचेस में गिर रहे हैं, या आपके हेयर की लेंथ नहीं बढ़ रही है, मोटाई नहीं बढ़ रही है, या आपके हेयर में डैंड्रफ हो रहे हैं, आपके हेयर बहुत ज्यादा बेजान से हो रहे हैं, तो आप मेहंदी में ये दो चीजें मिलाकर लगा कर देखिए। आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी, हेयर की शाइन बढ़ेगी, अगर आपके हेयर बंचेस में गिर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा, और आपके हेयर जो हैं वो थिक भी होंगे। वो कौन सी दो चीज हैं ये जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डाले जाते हैं, जिसे आप केवल देख लेते हैं और कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मेहंदी में ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसे आपको मिलाना है। देखिए, आप कोई सी भी नेचुरल मेहंदी ले लीजिए, मैं इस मेहंदी को यूज़ करती हूँ। इस मेहंदी को आप रात में गला दीजिए, मीन्स मान लीजिए आपको संडे को लगाना है तो आप सैटरडे की नाइट में इसे गला दीजिए। इसको गलाने के बाद आप इसमें आंवला पाउडर, मैं इस पाउडर को यूज़ करती हूँ, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आप आंवला पाउडर मिला लीजिए, और आंवला पाउडर को मिलाकर इसे रात भर अच्छे से रख दीजिए। सुबह आप इसमें जब ये, जैसे आप रात में इसको घोलते हैं तो ये हल्का सा सुबह तक गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा जैसे 3 से 4 चम्मच दही मिक्स कर लीजिए। दही मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 पूरा नींबू इसमें आप डाल दीजिए, कम से कम 3 से 4 चम्मच नींबू हो जाएंगे। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये जो नेचुरल मेहंदी होती है ये आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। आंवला पाउडर जो है ये आपके हेयर को झड़ने से, मींस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रोकता है, आपके बालों को काला बनाता है, घना बनाता है। आपके बाल अगर एक एक सफ़ेद हो रहे हैं या आपके बाल ज़्यादा भी सफ़ेद हैं तो आंवले का पाउडर अगर आप मिक्स करते हैं तो ये आपके बालों को बहुत जल्दी काला भी करेगा। अगर आप रेगुलर 3 से 4 बार लगाएंगे तो आपके बाल काले से, मतलब रेडिश और ब्लैकिश रहेंगे। इसके अलावा जो हमने दही मिक्स किया है, दही क्या करता है, अगर आप दही को मिक्स करके लगाते हैं तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो दही एंटी बैक्टीरियल गुण होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने में मदद करता है, तो आपका डैंड्रफ भी कम होता है। नींबू हमारे बालों को सिल्की बनाता है, विटामिन सी से भरपूर होता है, और आप ये जानते ही हैं कि हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और विटामिन सी हमें बहुत ज़्यादा नींबू में मिल जाता है। तो अगर आपके हेयर फॉल की समस्या है या आपके हेयर ग्रोथ सही से नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी मेहंदी में नींबू ज़रूर मिलाएं। ये आपके बालों को सिल्की भी करेगा, आपके बालों को बिल्कुल लंबा बना देगा और आपके बालों को काला भी करेगा। नींबू मिलाना बहुत अच्छा माना जाता है बालों, मेहंदी में बालों के लिए। आप इन सभी चीज़ों को अपनी मेहंदी में मिलाकर और अप्लाई करिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आपके हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाएगी, आपके जो हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ रही वो दूर हो जाएगी, आपके हेयर काले हो जाएंगे, मींस अगर आपके वाइट टिश हेयर हैं, ग्रे हेयर हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। सिल्क, आपके हेयर बहुत ज़्यादा बेजान हो गए हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी, आपके हेयर सिल्की हो जाएंगे। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी। वीक में या 15 दिन में आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं खुद इस मेहंदी को लगाती हूँ, मैंने देखिए ये वीडियो भी बनाया है, इसको मैंने अप्लाई किया था, इसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की भी हो गए हैं और मेरे हेयर फॉल की समस्या मुझे वैसे नहीं है, लेकिन जो भी एक दो भी हेयर गिरते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। तो आप मेहंदी में इन 4 से 5 चीज़ों को ऐड कर लीजिए, आपको इसके रिज़ल्ट खुद देखने को मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।